हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेन आई एस के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ हैं गगन हनवत। और गगन, आप लोगों को बताएंगे कि पहला अटेम्प्ट खासतौर से जो लोग दे रहे हैं कि एक अटेम्प्ट में आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हो एमपीपीएससी में और अच्छी रैंक ला सकते हो। 2020 गगन का पहला मेंस था और पहला इंटरव्यू भी था, और इन्होंने उस पहले प्रयास में ही डीएसपी की रैंक हासिल की। तो ये सही व्यक्ति हैं स्ट्रेटजी डिस्कस करने के लिए कि एक बार में कैसे हम फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। और 2022 के लिए लगभग 2 महीने आप लोगों के पास हैं, तो इनके द्वारा बताए गए सुझावों को अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित तौर पे आप भी सफल होंगे। और अब मैं हैंड ओवर करूँगा गगन को। गगन बताएंगे आप लोगों को किस तरह से उन्होंने तैयारी की थी। गगन, ये लीजिए। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे अभी हम मेन टारगेट जो करेंगे 2022 का, हाल में ही मेंस होने वाला है अक्टूबर मंथ में। अक्टूबर मंथ में 2022 का मेंस है और उसके बाद ही जनवरी या फरवरी में आपका प्रीलिम्स होने वाला है। तो कॉमन स्ट्रेटेजी हम लेके चलेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि 22 की तैयारी कैसे करें। तो इसमें ऐसा है कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो मैंने नोट डाउन कर लिया है, जो सभी स्टूडेंट्स के होते हैं। कि पहली तो यह है कि इतना कम वक्त है तो आंसर राइटिंग करें या ना करें। तो आंसर राइटिंग के लिए आपको ये लेके चलना है कि आपको यूनिट्स जो है आपकी वो कंप्लीट करते हुए चलना है। एक यूनिट एक सब्जेक्ट की कंप्लीट किए, फिर हो सके तो रात के टाइम या दिन में जब भी आपका एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आपका पढ़ने का मन नहीं होता है, लिखने का मन होता है, तो आप उस टाइम पे आंसर राइटिंग कर सकते हैं। एक कॉपी लीजिए, 3 मार्कर 5 मार्कर, 3-4 3 मार्कर, 2-3 5 मार्कर और 1 11 मार्कर या 1-2 11 मार्कर आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। जिसके लिए आप कोई भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उसकी एक बुक ले सकते हैं, या किसी भी पुराने क्वेश्चंस जो किसी कोचिंग संस्थान में आए हों तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन जो आप खुद बना सकें और लिख सकें। तो आंसर राइटिंग आपको करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि बहुत मायने रखती है। वहाँ पे जाके आपको जो डर होता है एक आंसर जब लिखते रहते हैं आप मेंस के सेंटर में, तो एक डर जो है वो ख़त्म हो जाता है आंसर राइटिंग करने से। दूसरी चीज़ कि लोगों को लग रहा है कि 2 महीने का वक्त है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें या ना करें। तो आपको टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करना है, लेकिन किस प्रकार से करना है, एक ऐसे इंटरवल में आप टेस्ट दें कि आपका एक पूरा पार्ट ख़त्म हो, उसके बाद आप एक टेस्ट दें, फिर दूसरा पार्ट ख़त्म हो पेपर का, मान लीजिए पेपर 1 है उसका पार्ट ए हिस्ट्री का जो है वो ख़त्म हो, उसके बाद आप पार्ट 1 का टेस्ट दें, पार्ट 2 ख़त्म हो पार्ट 2 का टेस्ट दें, और उसके बाद में लास्ट में FLT आपको जो कम्प्लीट पेपर है वो शुरू में नहीं देना है, आपको लास्ट में देना है जब आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाए एक बार कम से कम। जब आप उस टेस्ट सीरीज के जो 6 पेपर हैं उसको इस फॉर्मेट में दें जैसे पेपर होता है 6 दिन, तो उस हिसाब से दें। फिर पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, एक क्वेश्चन ये रहता है कि पेपर हम जब देने जाते हैं तो लोगों का ये प्रश्न रहता है कि 3 मार्कर 5 मार्कर और 11 मार्कर जो हैं उनको पहले 3 मार्कर अटेम्प्ट करें, 5 करें या 11 करें, एक प्रश्न ये भी बच्चों का अक्सर रहता है। तो आपको क्या करना है कि आपको 3 मार्कर पहले अटेम्प्ट करना है, जो आपको क्वेश्चन नहीं बनता है उसको आपको उस समय स्किप कर देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको उस समय नहीं बन रहा है, जो आपने पढ़ा ही नहीं है, वो आपको बाद में भी नहीं बनेगा, तो आपको नुकसान करेगा उस क्वेश्चन में जो आपको बन रहा है। जैसे मान लीजिए आपको 3 मार्कर का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है और 11 का आपको बहुत अच्छे से बन रहा है, तो क्या होगा कि अगर आप उस 3 मार्कर में अपना ज़्यादा टाइम देंगे तो 11 मार्कर में आपको लिखने का वक्त कम मिलेगा और आपको टाइम मैनेज करके चलना है, तो उसको स्किप करें, 5 मार्कर में जाएं। 5 में अगर कोई स्किप हो रहा हो या नहीं बन रहा हो तो आप उसके बाद सीधे सीधे 11 मार्कर अटेम्प्ट करें, और लास्ट में देखिए कि अगर आपको बनता हो और आपके पास वक्त हो तो उनको टाइम दीजिए, क्योंकि आपको 100% के पीछे नहीं आना है, आपको 80-90% आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाए और वो बिल्कुल अच्छे से हो जाए तो ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपको क्वालिटी कंटेंट लिखना है। ज़बरदस्ती जैसे स्कूल के टाइम पर हम लिखते थे किसी चीज़ को फैला फैला के लिख रहे हैं, वैसा नहीं करना है। यहाँ पर जो PSC है वो आपका सटीक आंसर देखना चाहती है, बिल्कुल एक्यूरेट फैक्ट्स हों आपके लिखे हुए, तो वो आप कोशिश करें लिखने की। इसके अलावा जब आप आंसर राइटिंग करें तो आपके जो आंसर्स हैं उनको अंडरलाइन ज़रूर करें, तो उससे जैसे कोई ज़रूरी फैक्ट है तो उसे अंडरलाइन ज़रूर करें, तो उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि जो चेकर होता है तो उसके अटेंशन में आ जाती है वो चीज़, वो तुरंत देख लेता है, उसे आगे पढ़ने की कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे समझ आ जाता है कि बच्चे ने आंसर सही ही लिखा होगा। और साथ में
थ्री मार्कर में ज़्यादा कोई आंसर को सजाने की कोशिश ना करें, फाइव मार्कर में भी आंसर को ज़्यादा सजाने की कोशिश ना करें। मैं आपको बता देता हूँ एक पैटर्न थ्री मार्कर, फाइव मार्कर और इलेवन मार्कर का, आप उस हिसाब से कोशिश करें। तो थ्री मार्कर में आपको जो है थ्री मार्कर में वन टू थ्री ऐसे करके आप तीन पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि थ्री लाइन ही होती हैं उसमें कम्प्लीटली। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है हमारा कि हम एक सर्कल बनाएं, हम उसको एक ऐसे एरो देके तीन पॉइंट में समझा दें। मान लीजिए कि आपको किसी खनिज उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखना है, तीन किन्नी क्वेश्चन वगैरह पूछा है, तो मान लीजिए कि कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम पूछा है भारत के, तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं जो भी है कि नहीं। छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र हो गए, झारखंड के कुछ क्षेत्र हो गए, और इसके अलावा उड़ीसा के कुछ क्षेत्र हो गए, तो ये आप लिख सकते हैं उस हिसाब से। तो ये दो तरीके हो गए। इसके अलावा फाइव मार्कर के लिए, फाइव मार्कर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि डायग्राम अगर कोई छोटा सा बना सकें, अगर जगह बचती हो तो बनाए, नहीं तो आपको दो तीन तरीके हैं मैं बता दे रहा हूँ। एक तरीका होता है एक लाइन का इंट्रो हो जिसमें कोई एक फैक्ट हो, इसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव करके पाँच पॉइंट हो जिसमें आप फैक्ट दें, जानकारी दें उस आंसर के बारे में, और लास्ट में एक लाइन में कॉन्क्लूजन करके ख़त्म करें। ये एक बहुत सरल तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका होता है आंसर राइटिंग का, उसमें आपको इस टाइप से एक बना सकते हैं, इम्पोर्टेंस लिख दें किसी भी चीज़ का। मान लीजिए इम्पोर्टेंस पूछा है, इम्पोर्टेंस लिखें, इस टाइप से एक आंसर लिखने का फॉर्मेट होता है। तो ये दो तरीके हो गए, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा आपको जो पसंद हो कोई तरीका आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका आंसर बस साफ़ सुथरा रहना चाहिए, आपकी राइटिंग जो है वो जो चेक करने वाला है उसको क्लियरली समझ आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, और आपके आंसर में अंडरलाइन हो जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो। इसके बाद हम आते हैं इलेवन मार्कर में। इलेवन मार्कर में आपके पास गुंजाइश होती है, क्योंकि आपके पास दो पेज होते हैं, तो आपके पास एक गुंजाइश ये रहती है कि आप एक डायग्राम या फ्लो चार्ट बना सकें। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है इलेवन मार्कर लिखना। पहले इंट्रो रहेगा आपका तीन से चार लाइन का, इसमें आपको उसकी एक इंट्रो देना है उस आंसर का, किसी फैक्ट के फॉर्म में या किसी करंट की घटना से जोड़ के या जो भी। उसके बाद में आपका डायग्राम रहेगा, मान लीजिए मध्य प्रदेश के बारे में आप कुछ बता रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का जैसे डायग्राम हम बना देते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का डायग्राम हो गया, देख सकते हैं आप। और इसके बाद में आप क्या करेंगे कि इसके बाद में आप उसकी जो इम्पोर्टेंस है, मान लीजिए कुछ भौगोलिक प्रदेश हो जाते हैं जैसे आपके, है ना, मान लीजिए ये वैसे ही एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, ये बता देंगे आप। और इसके बाद में वन इसका जो पहले सेंट्रल हाईलैंड्स हो गए, सेकेंड आप दे देंगे नंबर, सेकेंड नंबर दे देंगे आप इसमें कोई भी जो आपका पॉइंट है, विंध्य हिली रीजन्स हो गए आपके, मालवा प्लेटी हो गया थर्ड, आप इसको सबको एक्सप्लेन कर देंगे, और लास्ट में आप एक कॉन्क्लूजन दे देंगे पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में आपका कॉन्क्लूजन नहीं होना चाहिए। एक रहता है आपका, हाँ अब एक जैसे दो महीने हैं तो अब आपके पास मेंस के लिए टाइम कम है, तो आपको कितने सोर्स रखना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, या फिर आपको अपने जो कोचिंग के नोट्स हैं ये पढ़ना है। तो इसके लिए आप ये करें कि आप सबके, क्योंकि बहुत कम टाइम है, तो कोशिश करें कि सब हर यूनिट के आपके पास एक एक नोट्स हों, या एक से दो हो सकते हैं, ताकि आपका जल्दी पढ़ के हो जाए चीज़ें याद करके, और रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नोट्स के पीछे भागेंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें कि नोट्स जो है बिल्कुल लिमिटेड रहें, सभी यूनिट के एक एक नोट्स पर्याप्त हैं आपके जो सेल्फ नोट्स हैं वो। और अगर आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हों, अभी इतना वक्त नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाने में भी अपना टाइम दें, हो पाए किसी बच्चे के पास, हाँ उसको लगता है कि वो बना सकता है तो अवश्य बनाए, लेकिन मेरा मानना है कि अभी उतना वक्त नहीं है कि शॉर्ट नोट्स की तरफ भागा जाए। तो ये अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, पहले कौन सा पेपर की तैयारी करें, पेपर वन की करें, टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, मैं ये करता था कि लास्ट के जो तीन पेपर हैं, पेपर फोर फाइव और सिक्स, तो इन तीनों पेपर को मैं हमेशा साथ में लेके चलता था, कि मैं पेपर फोर को दिन में दो घंटे हर दिन दूंगा, दो घंटे जो हैं
वो मैं हर दिन दूंगा पेपर 4 को, 1 घंटे मैं हिंदी ज़रूर पढ़ूंगा हर दिन, और आधे घंटे जो है वो मैं देता था अपने थर्ड पेपर, 6th पेपर को, सॉरी। तो ये मेरा हो गया लगभग 3.5 आवर्स जो है मैं इन पेपर्स को देता था। और साथ में कोई भी एक बड़ा पेपर जो है, जैसे मान लीजिए पेपर 3, या आप चाहे तो पेपर 2 या पेपर 1, आपका जो दिन का बाकी टाइम रहेगा कम से कम 5 से 6 घंटे जो रहेंगे, जो मेजर पोर्शन है, वो आपको इस बड़े पेपर को देना है, पेपर 3 या 2 या 1, आपकी जो भी चॉइस रहे इसको आपको देना है। तो आपका क्या है, 4, 5, 6 तो तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि आप इन 4, 5, 6 जो पेपर है इसमें मार्क्स काफ़ी अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। शुरू के 3 पेपर जो होते हैं उसमें थोड़ी सी एवरेज मार्किंग होती है, लेकिन लास्ट के जो 3 पेपर हैं उनमें आपको बहुत मार्क्स आप कवर अप कर सकते हैं, जो कि आपकी रैंकिंग सुधार सकती है मेनली। तो 3, 2, 1 ये जो है इनको आप 5 से 6 घंटा पढ़िए, तो ये एक स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी अभी 2 से 2.5 महीने जो है वो पढ़ने की। इसके बाद एक रहता है आपका क्वेश्चन कि एग्ज़ाम के दौरान जो है, इसके अलावा एक और रहेगा कि 2023 जैसे अभी प्रीलिम्स आने वाली है, और कुछ लोगों का टारगेट है कि 2023 की जो प्रीलिम्स है उसको कवर करें। 2022 की तो स्ट्रेटेजी हमारी कवर अप हो गई है लगभग लगभग, अब 2023 का जो प्रीलिम्स आने वाला है तो कुछ बच्चे वो अटेम्प्ट करेंगे अगले साल, तो उसके लिए हम अभी मेंस पढ़ें या प्रीलिम्स पढ़ें या दोनों को कंबाइन लेके चलें। तो आपको क्या करना है कि अभी पेपर लगभग 6 महीने हैं, तो आपको लगभग लगभग 4 महीने जो हैं, 4 मंथ आपको मेंस और प्री दोनों को फोकस करके चलना है। आपको क्या करना है कि मेंस के जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप कॉमन जो सब्जेक्ट हैं वो निकाल सकते हैं, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो आप इनको ये करके चलिए कि जो आपके 3 मार्कर और 5 मार्कर हैं उनको आप अभी से कवर करते हुए चलिए, और साथ साथ में आप फैक्ट्स जो हैं उनको भी याद करते हुए चलिए इनके साथ में। तो आपके जो मेजर पोर्शन है आपका जो प्री का होता है, जैसे आपकी यहाँ पे एमपी भी कवर हो जाएगी, हाँ एमपी को मत छोड़िए, एमपी को हमेशा पढ़ते रहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में जो एमपी का जो पोर्शन होता है, जो क्वेश्चन पूछते हैं, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो एमपी का मेंस में भी उतना इम्पोर्टेंस है और प्रीलिम्स में भी उतना इम्पोर्टेंस है। तो 4 मंथ जो है आपको मेन सब्जेक्ट जो है वो, और साथ साथ में आपका एमपी जो है उसको फोकस करना है। साथ साथ में आप कुछ जो टाइम है 1 घंटे का वो आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं, एमपी के हिस्ट्री ज्योग्राफी या घटना चक्र जो आती हैं उनसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा टेस्ट आपको देना हो तो वीकली 1 FLT आप दे सकते हैं, बिल्कुल आपको सब्जेक्टिव देना सब्जेक्टिव दे दीजिए, यूनिट वाइज देना है यूनिट वाइज, या फिर आपको एक पूरा पेपर देना है जिसमें पूरे सब्जेक्ट्स हों 10 यूनिट तो वो दे दीजिए। तो ये आपका वीकली रहेगा जो टेस्ट आप देंगे इस समय, और मेंस के टेस्ट भी आप चाहे तो दे सकते हैं अगर आपका कंप्लीट होते आता है तो। तो इसमें क्या होगा आपका कि प्रीलिम्स के लगभग आपकी 4 से 5 यूनिट जो है वो भी कवर अप हो जाएगी आपकी, इससे ज़्यादा शायद 6 या 7 यूनिट आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि आयोग भी आपके मेंस और प्री में कॉमन है तो आपके कवर हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करना है आपको, जो लास्ट के जो 2 मंथ रहेंगे, लास्ट के 2 मंथ इनमें आपको पूरा फोकस जो है अपने प्रीलिम्स पे देना है, क्योंकि आपका मेन टारगेट क्या है, प्रीलिम्स क्रैक करेंगे तभी आप मेंस दे पाएंगे। तो आपका टारगेट आखिरी के 2 महीने या 3 महीने आप जो भी एडजस्ट कर पाएं उस चीज़ों को, तो आपका टारगेट रहेगा कि प्रीलिम्स पे फोकस रहे। तो आपको 10 यूनिट के लिमिटेड नोट्स रखना है, 1 से 2 सोर्स होना चाहिए आपके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें आप बिल्कुल। और मेरा मानना है कि अगर 2 महीने हैं आपके पास, 2 से 3 महीने, तो आपको कम से कम 40 से 50 FLT सॉल्व कर ही लेना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर में जब आप जाते हैं इतनी FLT सॉल्व करके, तो एक तो आपके पास 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, जिनमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज में पूछे गए रहते हैं या कहीं भी आप सॉल्व करते हैं, तो वो फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ है कि आपका डर जो है, जो एग्ज़ाम के दौरान आपका बना हुआ रहता है, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। तो आपको यही करना है, ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। और हाँ, एग्ज़ाम सेंटर में जाने के पहले बिल्कुल अननेसेसरी लोड ना लें, बिल्कुल प्रेशर ना लें, बिल्कुल कूल होके जाए, क्योंकि जो अगर आपने वास्तविकता में पढ़ा है तो आप सही में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और धैर्य के साथ अपना पेपर दें, किसी एक्सटर्नल जो प्रेशर से उस पर ध्यान मत दीजिए, आपको पूरा सपोर्ट आपके माँ बाप कर रहे हैं तभी आपको यहाँ भेजा है उनने पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी।
हाँ, तो ये सब तो हो गई स्ट्रेटेजी की बात, और जहाँ तक रही मेरी बात, मैंने टेस्ट सीरीज़ दी ना ही दी, क्या करा मैंने, तो मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मैंने टेस्ट सीरीज़ केवल और केवल प्रीलिम्स के लिए तो चलिए मैंने अनेक टेस्ट सीरीज़ दी, उसमें से एक विनाइस की भी टेस्ट सीरीज़ थी, इसके अलावा मैंने जो मेन्स की जो टेस्ट सीरीज़ थी वो मैंने पूरा फोकस जो था केवल एक टेस्ट सीरीज़ थी जिसने मेरी हेल्प करी, और वो थी विनाइस की कोचिंग। मेरे को सर का, भूपेन सर का, नीलेश सर भी थे उस समय, तो उनका बहुत मॉरल सपोर्ट भी रहा। होता ये है कि सर लोग जो है आपसे पर्सनल अटैचमेंट के साथ जो है व्यवहार करते हैं, आपकी कॉपी जो चेक करते हैं, तो आपको पर्सनल गाइडेंस देते हैं। दूसरे संस्थानों में मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं बताना चाहूँगा कि बहुत बच्चे रहते हैं, क्राउड रहता है, तो आप पे उतना टच नहीं रहता। सर लोग कैसा है, अगर क्राउड भी रहेगा ना तो सर लोग आपको पर्सनल एकदम कॉल करके बोलेंगे। मैंने तो ऑनलाइन टेस्ट दिया था, जब मेरे को ऑनलाइन में इतना सपोर्ट मिला तो मैं कहना चाहूँगा कि जो ऑफलाइन आते थे तो उनको तो और कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला होगा। तो आपको टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करना है तो ये बहुत अच्छा संस्थान है। मैं पर्सनली सर से जुड़ा हुआ हूँ, कोई भी गाइडेंस लगता है मैं भी समय समय पर अवेलेबल रहूँगा यहाँ पे सर के साथ, तो आप यहाँ पे अवश्य ट्राई करें, सर को मौका दें, बहुत अच्छी संस्थान है।